देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसे चार बार स्वच्छता में नंबर वन का खिताब हासिल हुआ है। दरअसल इंदौर की पहचान स्वच्छता के अलावा कई मायनों में है। इंदौर की पहचान एक मायने में हॉकी को लेकर भी है। आपको सुनकर बड़ी हैरत हो रही होगी, लेकिन इंदौर ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी को लेकर दिए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी शख्सियत मीर रंजन नेगी है, जो इस वक्त भारतीय टीम के बाद अब इंदौर में सड़क पर खेल रहे बच्चों की टीम को प्रशिक्षण दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, हॉकी जिसके लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है, ध्यानचंद जैसे नाम हॉकी की एक मिसाल पैदा करते हैं, लेकिन उसी हिंदुस्तान उसी जगह के बच्चे आज किस तरह सड़क पर हॉकी खेल रहे हैं, ये स्थिति इंदौर की बयां होती है। दरअसल इनकी जरूरतों के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक मैदान की भर इन्हें जरूरत है, लेकिन वो मैदान इन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। ये हैं मीर रंजन नेगी, जिनसे प्रभावित होकर शाहरुख खान ने चक दे इंडिया बनाई थी और हॉकी को लेकर एक नए आयाम को जड़ने की कोशिश की थी। वही मीर रंजन नेगी एक बार फिर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब संघर्ष किया था तब हिंदुस्तान के खाते में कई स्वर्ण पदक आए थे, लेकिन आज जब मीर रंजन नेगी संघर्ष कर रहे हैं तो कोशिश है कि इंदौर के बच्चों को एक मैदान मिल जाए। अगर इंदौर के बच्चों को ये मैदान मिल गया तो इंदौर में 80 साल पुरानी परंपरा, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जन्म दिया, वो कायम रहेगी। और अगर इंदौर को मैदान नहीं मिला तो शायद ये प्रतिभाएं इसी सड़क के फुटपाथ पर दम तोड़ देंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं इंदौर के अंदर हॉकी खिलाड़ियों का ये मंजर, मैदान नहीं है लेकिन जोश और जज्बा जुनून कायम है। और आप देख सकते हैं चाहे महिला हॉकी खिलाड़ी हो या नौजवान लड़के, सभी में एक जैसा जोश यहां पर नजर आ रहा है। अब इनके कोच से भी आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। ये हैं मीर रंजन नेगी साहब, जो भारत के कोच भी रह चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कई जो शोहरत है इनके नाम पर है। नेगी साहब, क्या स्थिति है इंदौर की? आपने तो एक चुनौती पहले भी ली थी जब भारत बड़ा जद्दोजहद था और भारत के लिए कई खिताब जीते, फर्क कैसा देखते हैं और क्या परेशानी इन बच्चों को अगर कुछ मिल जाए तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट? बिल्कुल, डेफिनेटली प्रकाश हॉकी क्लब बहुत पुराना है और ये वो क्लब है जहाँ से मैंने अपने हॉकी करियर की शुरुआत की। और मुझे याद है वहाँ पर 100 लोग करीब करीब सुबह आते थे और 100 लोग शाम को आते थे, और मैदान बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज थी कम से कम खेलने की, लेकिन धीरे धीरे करके वो मैदान हमसे छीन गया। और यहाँ पर इंदौर में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ दो क्लब हैं, एक ताहिर हॉकी क्लब है और एक प्रकाश हॉकी क्लब है, और दोनों की जो हालत है वो दयनीय है। बच्चे खेलना चाहते हैं, आप देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं। और जिस समय मैं यहाँ पर आया तो हम लोगों ने कोशिश करके एक मुहिम जैसी चालू की हॉकी को रिवाइव करने की, और करीब करीब 150 बच्चे रोज आते थे यहाँ पर, 150 बच्चे। कोरोना की वजह से हम लोगों ने मना भी किया है कई बच्चों को आने के लिए, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे मालूम नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जू नहीं रेंग रही है। मैं करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, इन लोगों को सिखाना चाहता हूँ, यहाँ से खिलाड़ी पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से न तो कोई किसी तरह का कोई सपोर्ट है, न कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कुछ हॉकी स्टिक दे देते हैं, कुछ बॉल दे देते हैं, लेकिन खेलने के मैदान वो नजारे दे। देखिए जी, एक बात अगर अपन देखें तो एक ऐसा दौर भी हमने देखा है जब भारत में हॉकी के अस्तित्व को लेकर काफी चुनौतियां थी। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले, एक फिल्म भी हमने देखी थी जिसका नाम था चक दे इंडिया। वो चक दे इंडिया क्या आप पर बनी थी, और उसका मूल मजमू जो उसमें दिखाया था उसमें कितनी सच्चाई थी हॉकी को लेकर? चक दे इंडिया मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी रही, और जो कुछ आपने चक दे में देखा वो बहुत कम था जो हकीकत की जिंदगी में मैंने बर्दाश्त किया। जिस समय हम लोग पाकिस्तान के साथ 7-2 से हार गए, लोगों ने कहा ये देशद्रोही है और इसने पैसा खा लिया पाकिस्तान के साथ में, लेकिन है ना करीब करीब 60% कहानी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो आपने चक दे में देखी। बाकी की जो है वो थोड़ा सा अडेप्टेशन हैं और वो सारा का सारा है, लेकिन आज अगर उसी चुनौती को देखें, जैसा एक चुनौती आपने उस समय भी ली थी और आपने इंडिया को चक दे कर दिखाया था, आज भी अगर देखें तो जो बच्चे आप देखते हैं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले हैं, भारतीय टीम का कोच
के तौर पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। निकी जी, क्या वास्तव में ये हुनर और काबिलियत हमारे बच्चों में है? जो 120 बच्चे आज खेल रहे हैं, अगर इन्हें एक मैदान भर मिल जाएगा तो कितना फायदा होगा? डेफिनेटली ये जो पास में आज़ाद नगर है, ये गरीब तबकों का इलाका है, और यहाँ से ये बच्चे जो है ना एक सपना देखते हैं, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और वहाँ से वो हॉकी के माध्यम से ऊपर आना चाहते हैं, है ना, दे वॉन्ट टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट इनफैक्ट, और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम उनको एक मौका दें, है ना, और वो मौका हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैदान ही नहीं। भोपाल जैसे शहर में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं, और भी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ का जगह है। आजकल मॉडर्न हॉकी जितनी भी है वो सब एस्ट्रोटर्फ हो रही है, और इंदौर जो है खेल की नगरी है, यहाँ के लोग इतने पुण्य का काम करते हैं, एक एस्ट्रोटर्फ नहीं बनवा सकते। दैट इज वेरी सैड इनफैक्ट एक्चुअली। तो ये एक दुख है एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का। दरअसल आपने अक्सर सुना होगा कि मैदान की बात मैदान पर होती है, यानी कि हम जब भी किसी सत्य की परीक्षण करने जाते हैं तो उसे कहते हैं कि जमीनी आधार पर हमने इसकी तस्दीक की। तो आज हम आपको बड़े आश्वस्त होकर इस बात को कहते हैं कि हमने भी जीरो ग्राउंड पर इस जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो दीवार है, ये जेल की दीवार है, इंदौर के जिला जेल की दीवार है, और उस जेल की दीवार के बाहर ये हॉकी का खेल हो रहा है। मैदान की सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। खिलाड़ियों में प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक मैदान की। बहुत बुनियादी बात है, बोलते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन इस दुख का अगर कुछ क्षण हमारे सत्ता में बैठे सत्ता के नुमाइंदों को हो ले, या कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े नौकरशाह इस दर्द को समझ लें, तो शायद इंदौर एक बार फिर हॉकी के लिहाज से एक नया इतिहास गढ़ सकता है। वीडियो एनालिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज नेशन, इंदौर। वीडियो एनालिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, इंदौर।